नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम अनुज, सी अनुज जलोटा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक ब्रीफ दिया था व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग ऑन अ यूट्यूब चैनल, ये उस सीरीज का अपना फर्स्ट लेक्चर है। वेलकम टू कॉस्टिंग पेपर 3 सी एंड द। नाउ ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, सो फर्स्ट लेक्चर शुड बी ऑन चैप्टर नंबर 1। आपके मॉड्यूल्स के अंदर देयर इज अ चैप्टर नंबर 1 कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी डूइंग दैट। उनका इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू बी कवरिंग इट अप टुवर्ड्स द एंड, दैट इज द करेक्ट वे टू बी लर्निंग इट। आप लोगों के मॉड्यूल्स के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं, आई एम ट्राइंग टू अरेंज देम इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि वंस आवर फर्स्ट चैप्टर इज डन आप लोगों को एग्जैक्टली मालूम है कि इसके बाद कौन सा चैप्टर लॉजिकली आना चाहिए। ओके, तो हम लोग बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्टडी दिस न्यू सब्जेक्ट। आप लोगों ने इससे पहले आज तक जो सब्जेक्ट किया है बहुत ज्यादा रिलेटेड विद नंबर्स, ऑब्वियसली वो अकाउंट्स है। अकाउंट्स को हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन अभी ये एक नया सब्जेक्ट आया है कॉल्ड एज कॉस्टिंग। आप लोगों के लिए ये नया है। नाउ दिस इज अ सब्जेक्ट दैट इज मोस्ट क्लोज टू योर प्रैक्टिकल लाइफ। इंडिया के अंदर नंबर ऑफ पीपल जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं बहुत ज्यादा है, एंटरप्रेन्योरशिप दैट वी विल कॉल इट। तो इफ यू वॉन्ट टू डू योर ओन बिजनेस, फर्स्ट इफ यू वॉन्ट टू बी अ कंसल्टेंट, ओके, सेकेंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, आपको एक बेसिक बिजनेस कैसे चलता है आपको वो मालूम होना चाहिए। और बिजनेस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, वन इज इंटरनल, आपको अपनी कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, यू शुड ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी, यू शुड ट्राई टू हैव कॉस्ट विच आर अंडर कंट्रोल, ज्यादा खर्चा ना हो ताकि प्रॉफिट अपना वो जो है वो कम कभी ना हो। सो वो एक इंटरनल पार्ट है। ये इंटरनल पार्ट ICAI ने आप लोग के लिए CA इंटर के अंदर रखा हुआ है, और एक एक्सटर्नल पार्ट है, कॉम्पिटिशन है बहुत ज्यादा है, हमारी जो प्राइजिंग है वो क्या होनी चाहिए, हम लोग को क्या क्या डिसीजंस वो लेने चाहिए जिससे बिजनेस अच्छा चले, तो वो सब कुछ सीए फाइनल के अंदर है। तो आपका जो पोर्शन है वो ICA ने बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन सीए इंटर वी लर्न इंटरनल पार्ट ऑफ बिजनेस, एंड इन सीए फाइनल वी लर्न एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बिजनेस। इन सीए इंटर दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकम्स स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन व्हेन विल बी कमिंग टू सीए फाइनल। एक अच्छी चीज वो हो रही है, यू आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट विदाउट एनी फॉर्मूलाज और विदाउट एनी काइंड ऑफ अदर थिंग्स दैट यू विल रिक्वायर। डायरेक्टली बेस से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ कंसेप्चुअल करेंगे और कुछ नहीं। आप लोगों के कोई भी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों का फाउंडेशन हो चुका है और उन लोगों को कॉस्टिंग पढ़ना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल वे मतलब यू विल सी ऑल दीज लेक्चर्स विच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल, you will easily be able to get 90 plus in costing. ये एक ऐसा subject है that will cover up for all those other subjects जिसके अंदर शायद आप लोग इतने अच्छे ना हो। तो ये subject को interest लेके करना, this is the most practical subjects. Okay, मतलब when I say the practical subjects, आपको you can relate every subject to real life. आपको एक छोटा सा मैं एक example अगर दूं तो आप लोग घर के अंदर से sugar खरीदते हो, एक बारी में कितना sugar खरीदना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा खरीदा शायद खराब हो जाएगा, अगर बहुत कम खरीदा तो बहुत बार मार्केट वो जाना पड़ेगा टू बी परचेजिंग इट, राइट? ये एक रोजमर्रा की लाइफ है, बट वी शुड हैव एन आंसर टू इट। और वो आंसर इज देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एज मटेरियल कॉस्टिंग दैट टेल्स यू यार एक बारी में कितना रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए। सो वी हैव अ चैप्टर बेसिकली ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, और ये सारे के सारे चैप्टर्स को एक ही चैप्टर कनेक्ट करता है, दैट इज आवर एजेंडा फॉर टुडे। आपका मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 6, मैंने उस चैप्टर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। एक बेसिक वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट रखेंगे और एक एडवांस वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट रखेंगे। जो एडवांस वर्जन ऑफ कॉस्ट शीट है वो मैं लास्ट के अंदर करूंगा वंस योर पोर्शन इज ओवर, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके बाद मेरे को आपको और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम लोग एडवांस कॉस्ट शीट वो करेंगे तब तक आपका सारा सिलेबस जो है वो हो जाएगा, सो यू विल ऑटोमेटिकली बी नोइंग कि उस चैप्टर के अंदर क्या आने वाला है। Now, these lectures can be viewed by anybody जिन लोगों ने CA foundation clear कर लिया है,
या फिर अगर कोई डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट है जो डायरेक्टली सीए इंटर के अंदर ही पहुंचा है, इट्स देयर फॉर यू ऑल. सो आपको एक सब्जेक्ट के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. आई विल टेक केयर ऑफ दैट एंड दैट इज पेपर 3 सीए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग. आपके पास यहां पर नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके अंदर दो लिंक है. एक है एजे नेक्स्ट. एजे नेक्स्ट वाला जो टेलीग्राम का हमारा लिंक है, दैट इज फॉर आस्किंग डाउट्स. आपको जो भी डाउट होता है, जो भी डाउट, इट कैन बी अ प्रैक्टिकल डाउट. बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स वो होते हैं, दे ऑल आर डूइंग देयर ओन बिजनेस ऑल्सो वेन दे आर डूइंग दिस सब्जेक्ट. ओके, बहुत लोग अपने फादर वगैरह का बिजनेस साथ में वो कर रहे होते हैं. कुछ भी डाउट्स आता है, यू ऑल कैन आस्क अस. उसके बाद हमारा एक यहां पे चैनल भी है, CA Inter Age Next. यहां पे ऑल द नोट्स यू विल बी एबल टू गेट फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर. हर एक लेक्चर के लिए जो भी नोट्स हैं, आई एम गोइंग टू बी गिविंग कलर्ड नोट्स इन अ PDF फॉर्मेट. यू कैन टेक दोस पर्टिकुलर नोट्स, यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दैट. दीज नोट्स आर द बेस्ट नोट्स दैट यू ऑल कैन बी गेटिंग. जो भी आप लोगों को चाहिए इन नोट्स के अंदर है. तो अगर आप लोग चाहो, अगर आपके पास एक कलर्ड प्रिंट आउट है, एक कलर्ड प्रिंटर है, यू कैन टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ दैट. दैट बी योर ओनली इन्वेस्टमेंट फॉर दीज सब्जेक्ट्स. मोर ओवर, हर लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं वो मैं शुरू में बता दूंगा आप लोगों को. उसके बाद आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक उस पूरे लेक्चर के अंदर से आपको वो चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग को एक टाइमलाइन मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम लोगों ने कब किया था. तो अगर कभी भी फ्यूचर के अंदर याद आए कि सर ये वाला चीज मेरे को वो भूल गया, तो पूरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है. आप लोग नीचे टाइमलाइन के अंदर क्लिक कर देना, आप लोग को डायरेक्टली वहां पर वो वाला चीज मिल जाएगा. ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद आर सब्जेक्ट, दैट इज CA इंटर पेपर 3 कॉस्टिंग. नाउ ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था. अभी उसके बाद लेट्स स्टार्ट अवे विद, ये एक सब्जेक्ट है जो आप लोग न्यू कर रहे हो. इससे पहले आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक अकाउंट्स कर लिया है. अकाउंट्स को आज से फाइनेंशियल अकाउंट्स बोलेंगे. ओके, बिकॉज इट मेनली डील्स विद मनी, फाइनेंशियल अकाउंट्स. सो वो फाइनेंशियल अकाउंट्स है जो आप लोग पेपर 1 और पेपर 5 के अंदर कर रहे हो इन CA इंटर. वन इज योर अकाउंटेंसी, वन इज योर एडवांस अकाउंट्स. ओके, ये एक नया सब्जेक्ट है कॉस्टिंग. यार अगर वो कर रहे हो तो फिर ये क्यों चाहिए, अगर ये कर रहे हो फिर वो क्यों चाहिए. तो एक बैकग्राउंड वो लेते हैं. मैंने इसके लिए आप लोगों को नोट्स इस चैप्टर के अंदर वो नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये चीज मेरे को लास्ट लेक्चर के अंदर थ्योरी के अंदर वो फिर से बोलना है. ठीक है, तो ये वाला चीज आप लोग सुन लेना. दिस इन एनी केस विल बी रिमेनिंग विद यू टिल द टाइम यू आर गोइंग टू बी लिविंग ऑल्सो. ओके, ये वाला चीज आप लोगों को नहीं भूलने वाला है. ठीक है, लेकिन इसका जो नोट्स है वो आपके लास्ट लेक्चर के अंदर आएगा. ठीक है, कॉस्टिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंट्स. लेकिन अभी के लिए स्टार्ट कर लेते. नाउ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंट्स वो वाला चीज है जो आप लोगों ने आज तक किया है. कॉस्टिंग वो वाला चीज है जो आप मेरे साथ करने वाले हो. एक चीज, हम लोग को तकरीबन 7 लेक्चर्स जाएगा टू बी डूइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग. तो उतना पेशेंस रखना प्लीज. जब तुम्हारे 7 लेक्चर्स हो जाएंगे, आप लोगों को एक चीज रियलाइज होगा, वी टेक यू टू अ हाइट दैट नो टीचर कैन डेयर टू टेक यू ऑल. आप लोगों को हर एक चीज यू विल बी नोइंग द वे इट शुड बी लर्नड. आप लोगों को हर एक चीज उस कंसेप्ट से बताऊंगा जैसे आप लोगों को वो वाला चीज सीखना चाहिए. In fact, after learning costing like this, in case you all want, you all can write your own books also, because you will be knowing each and everything का 100% logic. कुछ भी controversies हैं, अगर किधर भी institute वो गलत करता है, all those things will also be expressed. लेकिन first thing first, start कर लेते हैं with financial accounts and cost accounts. Financial accounts आपका normal account जो आप लोग 11 standard से करते आए हो. Costing आप लोग मेरे साथ कर रहे हो. What is financial accounts? What is cost accounts? उसके difference से start करता हूं. Financial accounts. In India, financial accounts is regulated by ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. Financial accounts के ना आप लोगों ने आज तक जो भी सीखा है वो किसी ना किसी institute ने बोला है, और वो institute आपका institute है, वो मेरा institute है, Institute of Chartered Accountants of India. I'm a chartered accountant.
कॉस्टिंग इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय ICWA, जिन लोगों ने बीच में अपना नाम बदल लिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. सो दिस नेम एंड दिस नेम का शॉर्ट फॉर्म इवेंचुअली बिकेम सेम. ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो, मैं ये वाला नाम नहीं यूज करने वाला हूं, ताकि आपके और मेरा जो थिंकिंग है वो सेम रहे. ठीक. तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के ना, आप लोग जो भी करते हो, एक एग्जांपल देता हूं सर. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, व्हिच एवर इज लोअर. ऐसा किसने बोला सर? ऐसा मेरे टीचर ने बोला. टीचर को किसने बोला? उसके टीचर ने बोला. फर्स्ट टीचर को किसने बोला? ICAI ने बोला. ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ताकि वो लोग ये चीजें आप लोग तक कम्युनिकेट कर पाए, वो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च करते हैं. आजकल की डेट के अंदर वो लोग INDAS लॉन्च करते हैं. ओके. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या INDAS, जो INDAS हैं, दीज आर वर्जन्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS. तो इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे, एंड वो स्लोली एंड स्टेडली वी आर कन्वर्टिंग टू INDAS. ओके. जो भी AS के अंदर लिखा होता है, वी हैव टू बी डूइंग इट. एग्जाम्पल, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर. ये चीज किसने बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला. सर, फॉलो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, ये किसने बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला. ओके. शायद तुमको तुम्हारे टीचर ने बोला, बट ऑब्वियसली इट वॉज टोल्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. कॉस्टिंग के अंदर हम लोग जो भी करते हैं, दैट इज रेगुलेटेड बाय ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका नया नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अभी जैसे हमारा इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च करता है, वैसे ही ICWA कॉस्ट स्टैंडर्ड्स लॉन्च करता है. ओके. कॉस्ट स्टैंडर्ड्स आर बेसिक गाइडलाइंस कि आप कोई भी चीज कैसे ट्रीट करोगे. आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लिए क्या करके देते हैं? एग्जांपल के तौर पे, साल के एंड में फायर लग गई, आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर वो वाली चीज कैसे दिखानी है, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको बताते हैं दैट इफ देयर इज अ सर्टेन लायबिलिटी ऑन द लास्ट डे, हाउ यू आर गोइंग टू बी शोइंग इट, whether that is a contingent liability, etc. So all those things are there. वही वाला चीज जो है वो आपको costing के अंदर you will come to know through cost standards. जैसे accounting standards हैं, वैसे cost standards हैं. Coming to something else, ICAI ने, हमारे institute ने accounting standards के ऊपर बहुत मेहनत किया हुआ है. And honestly, हमारा जो accounting standards है, they are at par with the world standards now. They are pretty good. लेकिन कॉस्ट स्टैंडर्ड्स अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं ताकि यू नो वी कैन ट्राई टू बी सेइंग कि हमारा जो कॉस्टिंग है दैट इज नाउ एट अ वर्ल्ड लेवल. ऐसा नहीं है. ICWA वाला जो इंस्टीट्यूट है थोड़ा सा ठंडा इंस्टीट्यूट है. इट डजेंट डू मच अमाउंट ऑफ वर्क एज कंपेयर टू जो हमारा इंस्टीट्यूट है. अगर आप लोग ICAI से डिग्री ले लेते हो, यू विल बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर आप ICWA से डिग्री ले लेते हो, यू विल बी कॉल्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट. शायद इसका भी जो शॉर्ट फॉर्म है CA ही है. ऑनेस्टली सैलरी के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है. नाउ दो और चीजें बिफोर आई कम बैक टू द फाइनल थिंग एज सच. नाउ फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक, 11th स्टैंडर्ड के एंड में जब आपके बेसिक टॉपिक्स खत्म हो गए थे, तो आपको आपके सर ने वो बोला होगा, चलो अभी फाइनल अकाउंट्स करेंगे. फाइनल अकाउंट्स हर एक साल के एंड में कंपनी हैज टू बी प्रेजेंटिंग इट्स फाइनल अकाउंट्स टू द शेयर होल्डर्स. अगर आप प्रोप्राइटर हो तो आपको खुद पता चलना चाहिए कि प्रॉफिट है कि लॉस है. सो हम लोग हर साल के एंड में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो. ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और P&L अकाउंट बनाते हैं. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो नहीं हो, सिर्फ आप एक ट्रेडिंग कंपनी हो, तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. अगर आप कोई और इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, ना आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है. दीज थिंग्स आर डन टू बेसिकली नो प्रॉफिट राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर एक बैलेंस शीट और बनाया जाता है. बैलेंस शीट से आप लोग को ये पता चल जाता है आपके एसेट्स कितने और लाइबिलिटीज कितने हैं. ठीक. जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज डन, इन कॉस्ट अकाउंट्स यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट शीट. ओके. यू हैव समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट इज कंसीडर्ड एज अ फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट. लेकिन एक चीज का फर्क है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है ना, ये आप लोग साल के एंड में तो बनाते ही हो. देयर इज अ स्टैंडर्ड कॉल्ड एज इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स.
जहां पर सम कंपनीज प्रिपेयर इट ट्वाइस इन अ ईयर, सम कंपनीज डू दैट क्वार्टरली, तो क्वार्टरली मतलब फोर टाइम्स इन अ ईयर. कॉस्ट शीट के अंदर एज सच कोई रेगुलेशन नहीं है. यू कैन प्रिपेयर इट फॉर अ ईयर, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर अ मंथ, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर अ क्वार्टर, यू कैन प्रिपेयर इट फॉर अ वीक ऑल्सो. ओके, एंड देर आर मेनी अदर वेज ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. जब आप सीए, जब हमारा सीए इंटर का थोड़ा सा पोर्शन वो हो जाएगा, यू विल स्टार्ट टू रियलाइज कि कॉस्ट शीट इज, कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस ऑफ रीजंस. ओके, जैसे आपको यहां से पता चल जाता है कि आपका प्रॉफिट कितना है, आपको बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, कॉस्ट शीट से आप लोगों को पता चल जाता है आप लोगों का कॉस्ट मतलब खर्चा कितना हुआ, नथिंग एल्स. पर्पस, आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों फॉलो करते हो? ओके, आपको अगर एक मैक्रो रीजन दूं तो, अगर एक कंपनी है तो कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. उन लोगों को मालूम होना चाहिए यार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया. वो लोग कंपनी आकर तो कंपनी को मैनेज नहीं करते, वो लोग तो किधर भी दुनिया के अंदर स्कैटर्ड हो सकते हैं, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने कैसे किया है? ओके, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा? इन दिस केस हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट उन लोगों को देंगे तो पता चल जाएगा. बैलेंस शीट उन लोगों को देंगे तो पता चल जाएगा एसेट और लाइबिलिटीज का जो स्टेटमेंट है वो कैसा है. ठीक है, सो पर्पस इन दिस पर्टिकुलर केस इज टू बी फाइंडिंग आउट प्रॉफिट, दैट इज वन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट टू नो द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है, दीज आर द टू पर्पसेस एज सच. ओके, कि आप लोग ये वाला चीज क्यों करते हो? कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का एक मेजर पर्पस है, मेजर, नॉट द ओनली पर्पस. ओके, बाकी जो पर्पसेस हैं वो तुम लोगों को बाद में पता चलेगा. इन दिस केस इज नथिंग बट कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल इन दिस पर्टिकुलर केस इज, आई वुड लाइक टू बी नोइंग कि भाई मेरा खर्चा कितना है. अगर मेरा खर्चा ज्यादा है, आई वुड लाइक टू कट इट डाउन. इस चीज को हम लोग कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं. लेकिन हम लोग एक और चीज भी बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है खर्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए. बोलते सर ज्यादा नहीं होने चाहिए मतलब कम होने चाहिए. हाँ, कम होने चाहिए बट नॉट ऑन द अकाउंट ऑफ क्वालिटी. अगर तुम लोगों ने अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी बेकार करके खर्चे कम किए तो फिर क्या बड़ा काम किया. ओके, सो कॉस्ट कंट्रोल मीन्स नॉट इनकरिंग एक्सेस अमाउंट, incurring same or lesser amount but not by compromising what quality. These are the five purposes, sorry, these are the five differences that are there between financial accounts and cost accounts. ठीक है, ये सबसे बड़े फर्क हैं जो financial accounts और cost accounts के अंदर है. ये आप लोगों के लिए paper 1 है और paper 5 है, यह आप लोगों के लिए paper 3 है. okay, but again 100 marks paper, CA final के अंदर भी continue रहेगा. And many other things also I can try to say. अगर आप लोग सोच रहे हो सर फ्यूचर के अंदर मैं MBA करूंगा, तो जो आप लोग इंटर ऑफ फाइनल के अंदर कॉस्टिंग के अंदर सीखने वाले हो, सेम चीज आपको MBA के अंदर भी आएगा. अगर आपको लगता है सर दिस अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट, ओके, एंड आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू डू बिजनेसेस, तो फिर आप CA फाइनल के बाद यू कैन परस्यू टू डिग्रीज. दिस टू डिग्रीज आर, ये फॉरन डिग्रीज है, एक CIMA करके है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, और एक है CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, दैट इज US का डिग्री. CMA इज समटाइम्स कॉल्ड एज अ इंडियन डिग्री ऑल्सो, जो ICWA अलॉट करता है, बट आई एडवाइज नॉट टू बी गोइंग फॉर दैट. यू डायरेक्टली गो फॉर द CMA कोर्स, ओके, जो US सर्टिफाइड है, विच इज वेरी गुड. तो ये आपके बेसिक फर्क हैं. एक लास्ट फर्क जो मैं अब बोल रहा हूं, दैट आई वॉन्टेड टू कीप इट टूवर्ड्स द एंड ओनली. इन इंडिया Why financial accounts is so famous? क्योंकि it is compulsory by law. हर एक कंपनी को साल के एंड में अपना फाइनल अकाउंट शेयर होल्डर्स के लिए देना पड़ता है. अगर आप एक प्रोप्राइटर भी हो, आप एक पार्टनर, यू हैव टू बी प्रेजेंटिंग योर अकाउंट्स, यू हैव टू बी प्रेजेंटिंग योर अकाउंट्स. सो फाइनेंशियल अकाउंट्स इज कंपल्सरी. उसका मतलब क्या है? कोई एक कंपनी ये नहीं बोल सकता मेरा कंपनी है, मेरे को बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट नहीं बनाने का है, तो तुम क्या कर लोगे? तो तुमको जेल के अंदर भी डाल सकते हैं. इट इज कंपल्सरी. दैट इज वाई एवरी कंपनी इन इंडिया रिक्वायर्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज इन दिस केस फाइनेंशियल अकाउंट्स इज कंपल्सरी बाय लॉ. आपका कंपनीज एक्ट हो गया, आपका इनकम टैक्स एक्ट हो गया, देयर आर सो मेनी एक्ट्स इन इंडिया दैट टेल यू दैट एवरी कंपनी हैज टू बी मेंटेनिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स. कॉस्ट अकाउंट्स इज इट नॉट कंपल्सरी? I'll say it is semi-compulsory. It is not compulsory for everybody. Okay. There are few cases. If those cases will apply to you. Okay. If those cases will apply to you, that time government may order.
that you will have to be maintaining cost accounts also. But in India, as such, if you look at the entire country, it is not compulsory. It is compulsory for very few companies, okay, but not all the companies as such. That is why demand of cost accountants in India is very less. Because every company ko India ke andar cost accountants ki zarurat nahi padti hai. Theek hai? आप लोग जब भी मेरे साथ कॉस्टिंग सब्जेक्ट कर रहे हो, दीज आर बेसिक ग्राउंड रूल्स दैट यू ऑल शुड रिमेंबर, ताकि यू ऑल ऑलवेज नो कि यू आर डूइंग वन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड यू आर डूइंग वन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉस्टिंग विद मी. ओके, चलिए, दिस वॉज अ बेसिक बैकग्राउंड कि फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है, कॉस्ट अकाउंट्स क्या है. लेकिन वन थिंग जो मैंने बहुत ज्यादा इलैबोरेट वो नहीं किया था, थोड़ा सा बोला एंड देन आई स्टॉप. कॉस्टिंग का एक मेजर एम होता है कॉस्ट कंट्रोल, कि अपने खर्चे जो हैं कंट्रोल के अंदर रखो. यू नो वी ऑलवेज से कि यार एक कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कैसे कमाता है, सर दो चीजें करके, या सेल्स बढ़ाओ या कॉस्ट कम करो. कॉस्ट कम करना कम्स विद इन द परसेप्शन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल यार, हम लोग कॉस्ट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं. सो लेट्स ट्राई टू डिफाइन कॉस्ट फर्स्ट. डिफाइन करते हैं कि भाई कॉस्ट आखिर होता क्या है. कॉस्ट कोई बोल सकता है सर कॉस्ट मतलब एक्सपेंस. परफेक्ट, ओके. कॉस्ट इज नथिंग बट एक्सपेंस ओनली. एवरी कॉस्ट इज नथिंग बट काइंड ऑफ एन एक्सपेंस. सो वेर एवर यू थिंक ऑफ कॉस्ट, यू थिंक ऑफ एक्सपेंसेस. ओके, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल, ध्यान से सुनना है सब. कोई भी तुम लोग खर्चा करो, वी आर गोइंग टू बी सेइंग आप लोग कॉस्ट का खर्चा कर रहे हो, ठीक है. अभी ये वाले जो खर्चे हैं हम लोग उसका ना एक कैटेगराइजेशन करते हैं, एक बाइफर्केशन करते हैं, ठीक है. ये बाइफर्केशन आपको हर एक सब्जेक्ट के ना काम में आएगा. अकाउंट्स के अंदर भी काम में आ सकता है, एफएम के अंदर भी काम में वो आ सकता है. एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड ऑब्वियसली कॉस्टिंग के अंदर तो काम में आएगा ही आएगा, ठीक है. सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर देयर एवर, ठीक है. ये वाला चीज आपके नोट्स के अंदर भी मैंने वो रखा हुआ है. आपके जो नोट्स हैं इस टाइप के हैं जो आपके टेलीग्राम के चैनल के ऊपर हैं. मैं पहले आई एम राइटिंग समथिंग, देन आई विल कम बैक टू द नोट्स, ठीक है. सो देयरफॉर लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ कॉस्ट. नाउ टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वी ऑलवेज से कि खर्चे कॉस्टिंग के अंदर किस टाइप के होते हैं. नाउ बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट वॉट आई रिक्वायर टू स्टार्ट ऑफ कॉस्टिंग इज दिस बाइफर्केशन. वी से दुनिया के अंदर सारे के सारे कॉस्ट दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट होते हैं. फर्स्ट इन दिस केस आर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है. एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट लूजली बाय एवरीबडी इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ओवरहेड्स. अच्छा, नाउ स्टॉप फॉर अ वाइल. भाई स्टॉप फॉर अ वाइल, तुम्हारे सीए इंटर के अंदर ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं ना, दे डील अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. तो जब मैं ये वाला बाइफर्केशन कर रहा हूं, दैट बाइफर्केशन इज डन बेस्ड अपॉन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. इट्स नॉट बेस्ड अपॉन समथिंग लाइक से बैंक और समथिंग. ओके, वहां पर भी ऐसा बाइफर्केशन हो सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. ओके, आई एम ट्राइंग टू टॉक ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दैट आर देयर, ठीक है. तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हर एक खर्चे दो टाइप के हो सकते हैं. These are which type? These are direct cost and these are overheads. तो direct cost क्या होते हैं, overheads क्या होते हैं. So let's start. एक manufacturing company का example देता हूं. Direct cost. जरा ऐसा सोचना. Direct cost is any cost that satisfies two conditions. कौन सा two conditions? First, it should be a cost that is fully proportionate. It should be a cost which should be fully proportionate. Fully proportionate to what? It should be fully proportionate to number of units that you all produce. अगर कोई भी ऐसा cost है जो तुम्हारा ये दोनों का दोनों condition satisfy करता है, we say it is one example of direct cost. याद रखना, जो दोनों condition satisfy करते हैं. तो बीच में यहां पर एक and करके डाल देता हूं, ठीक है. अभी एग्जांपल लेते हैं फिर से, लेकिन एक बार. डायरेक्ट कॉस्ट वो वाला कॉस्ट है जो आपका दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है. फर्स्ट, इट शुड बी अ फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट. फुल्ली वेरिएबल मतलब प्रोपोर्शनेट कॉस्ट. प्रोपोर्शनेट मतलब
वेरी करता है, और ये वाला चीज किसको वेरी करता है, जब ही क्या चेंज हो, जब ही क्वांटिटी प्रोड्यूस चेंज हो. एग्जांपल लेते हैं, इफ इट वॉज नॉट क्लियर. फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, हमारा कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है, कुछ भी बोल लो. सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, चलिए ये वाला पेन बनाता है, ठीक है, स्टाइलस. तो ये वाला पेन बनाता है, जब भी वो लोग एक पेन बनाते हैं, ये वाला जो पेन है इट इज बाय अ कंपनी कॉल्ड एज वैकॉम, ठीक है. जब भी वैकॉम एक पेन बनाता है तो उसके लिए उनका प्लास्टिक लगता है, एंड दे ऑल पुट अ रबर ग्रिप ऑन टॉप, ठीक है. चलो मैं प्लास्टिक के बारे में बात करता हूं. जब भी वो लोग एक पेन बनाते हैं उसके लिए उनका 15 रुपया का प्लास्टिक लग जाता है, ठीक है, 15 रुपीज का प्लास्टिक लग जाता है. जरा सोचो, अगर उन लोगों ने दो पेन बनाए तो उन लोगों का प्लास्टिक कितने रुपीज का लग जाएगा, 30. अगर तीन पेन बनाए तो 45. जरा सोचो ये वाला कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है. सर, दिस कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट. क्यों? इट सैटिस्फाइज माई टू कंडीशंस. विच टू कंडीशंस? इज इट अ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट? यस सर. जब भी ये डबल अप हुआ, ये भी तो डबल अप हुआ, दैट इज प्रोपोर्शनेट. ओके, प्रोपोर्शनेट यू कैन ऑल्सो से इट इज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो हर यूनिट के लिए लग रहा है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वाला खर्चा तुम्हारा जो प्लास्टिक का खर्चा है कब होता है, जब आप पेन बनाते हो. इट इज अ कॉस्ट दैट यू इनकर व्हेनेवर यू प्रोड्यूस. अगर कोई भी कॉस्ट ऐसा होगा दैट सैटिस्फाइज बोथ दीज कंडीशंस, दैट इज गोइंग टू बी वन एग्जांपल ऑफ विच कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट. ओके, डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल दोज कॉस्ट विच आर फुल्ली प्रोपोर्शनेट. फुल्ली प्रोपोर्शनेट का मतलब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. एक और वर्ड अगर दूं तो, मतलब दीज आर द कॉस्ट जो हर यूनिट के लिए लगता है, हर यूनिट के लिए. अगर आप लोगों ने एक पेन बनाया तो कुछ खर्चा होगा, अगर दो पेन बनाए तो डबल खर्चा होगा. ओके, ऑल दीज पर्टिकुलर कॉस्ट आर पर यूनिट कॉस्ट एज सच, ठीक है. तो ये हो गई आप लोगों की डायरेक्ट कॉस्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल था ये, फर्स्ट एग्जाम्पल. मैं इधर वन लिख देता हूं, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट इन दिस केस समथिंग लाइक दिस. मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, अभी वो कोविड हुआ तो हम लोग पहले ना शर्ट्स बनाते थे, ठीक है, कोविड से पहले. फिर जब भी लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई वगैरह, कुछ काम धंधा नहीं, किसी को शर्ट्स वगैरह वो पहनने का ही नहीं, सब लोग घर के अंदर ही वो बैठे रहते हैं. तो देन आई थॉट यार अपना बिजनेस तो बंद होएगा, लेकिन करें क्या. देन आई थॉट यार मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं, उसका सॉलिड मार्केट है, ठीक है. तो हम लोगों ने क्या किया, मास्क जो है वो बनाना स्टार्ट किया. मास्क बनाने के लिए अपने को क्या लगेगा सर, एक तो क्लॉथ लगेगा. चलो, दैट इज अ सिमिलर एग्जांपल टू दिस, तो उसके बारे में बात नहीं करता. आई थॉट यार क्लॉथ लेकर अभी उसको मास्क के अंदर भी तो कन्वर्ट करना है. मास्क के ना कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, या फिर मैं बहुत ज्यादा मशीन्स लेके आऊं, जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, ऑटोमेटिकली उससे क्लॉथ वगैरह कट के मास्क वगैरह वो बन जाएगा. आई थॉट अभी इतना इन्वेस्टमेंट कौन करेगा यार, मास्क का बिजनेस विल रिमेन फॉर 1 or 2 years, जिंदगी भर वो थोड़ी चलेगा. ओके, देन आई थॉट क्या करूं. सो देन आई थॉट कि यार वर्कर्स लोगों को लाएंगे, उन लोगों को थोड़ा सा एक ट्रेनिंग वगैरह देंगे, एंड देन आई टेल देम कि मास्क वगैरह यू ऑल कैन स्टार्ट टू बी मेकिंग. तो जो वर्कर्स थे वो लोगों ने बोला, सर ट्रेनिंग वगैरह के बाद हम लोग जब भी मास्क बनाना स्टार्ट करेंगे, आप हमको हर मास्क के पीछे कितना पैसा देगा. मैंने उनको बोला, सुनो, जब भी तुम लोग 1 mask बनाओगे ना, ओके, उसकी कटिंग, स्टिचिंग, उसकी पैकिंग वगैरह के लिए टुगेदर आई विल गिव यू इन दिस केस ₹20. तो अगर बंदा एक मास्क बनाएगा कॉस्ट विल बी 20. अगर बंदा 2 mask बनाएगा, माय कॉस्ट आई हैव टू बी पेइंग फॉर 2 masks, राइट. तो कॉस्ट यहां पर कितने रुपीज का हो जाएगा, 40. सो देयरफॉर 1 mask कॉस्ट इज 20, 2 mask कॉस्ट इज गोइंग टू बी 40. What is this? This is nothing but in this case direct cost. क्यों direct cost? Sir, it is a fully proportionate cost. Fully proportionate cost मतलब एक mask बनाया तो कुछ खर्चा, double mask बनाया तो double खर्चा. अभी अगर 4 mask बनाएगा तो cost will be 80, 3 mask बनाएगा cost will be 60. तो ये proportionate cost है. Proportionate मतलब ये वाला cost variable cost है. Variable cost मतलब ये वाला cost हर unit के लिए लगता है. These are per unit cost, ठीक है. And these costs are incurred whenever the workers will produce the mask. So therefore, first condition bhi satisfy hota hai, second condition bhi satisfy ho jata hai. Hence, this is again one example of direct cost. Okay, third pe aate hain. Third, abhi ajeeb example deta hun. Ye wala jo pen hai na, ye
वैकॉम कंपनी का है। वो वैकॉम कंपनी जो है जापानीज कंपनी है, ठीक है। उन लोगों ने सोचा यार इंडिया के अंदर ना ये वाले पेन्स नहीं सप्लाई करेंगे, वो कस्टम ड्यूटी वगैरह बहुत ज्यादा लग जाता है, सो पेन बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, तो हम लोग ये वाला पेन जो है इंडिया के अंदर नहीं बेचेंगे, ठीक है। अभी मैं एक नया बंदा था, आई थॉट यार ये पेन्स ना बहुत सॉलिड होते हैं, मैं इंडिया के अंदर ऐसे स्टाइलस बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं इंडिया के अंदर ऐसे वैकॉम के एक ऐसे जो स्टाइलसेज हैं वो बनाऊंगा। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टाइलस बनाता था मैं, कोई खरीदता नहीं था। देन आई थॉट कि लाइक यू नो व्हाई डू पीपल डोंट बाय माय स्टाइलस। तो फिर मेरे को तो वो रियलाइज हुआ मेरा ना कोई ब्रांड नेम वगैरह नहीं है, और ब्रांड नेम के पीछे तो दुनिया भागती है, अपना कोई ब्रांड नेम ही नहीं है, तो फिर जनता इज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग माय प्रोडक्ट। तो देन आई थॉट यार कैसे करें फिर आगे बिजनेस कैसे करें, प्रोडक्शन करूंगा सेल्स नहीं होगा तो क्या यूज है तो बिजनेस करने का। तो फिर ना मैं जापान गया, वहां पे जो वैकॉम कंपनी था उसके ओनर से मिला, मैंने उनको बोला लिसन नाउ ऑब्वियसली आई कांट टॉक तो जापानीज ओवर हियर। तो मैंने उस बंदे को जो कंपनी का जो ओनर था तो उसको ऐसा बोला कि सर आई विल टेक योर एजेंसी एंड आई विल मैन्युफैक्चर द पेन्स इन इंडिया। जब मैं इंडिया के अंदर पेन्स बनाऊंगा उसके ऊपर आई विल पुट योर नेम ऑफ वैकॉम और ऐसा ही लगेगा कि वो आपका प्रोडक्ट है। तो लोग बोलते ठीक है लेकिन आप हमारा नाम यूज करोगे, आप पेन्स बनाओगे, आप पेन्स बेचोगे तो हमको क्या मिलेगा। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा एक डील वगैरह किया कि जब भी एक स्टाइलस बनेगा, ठीक है, जब भी एक स्टाइलस बनेगा बिकेगा नहीं, जब भी एक स्टाइलस बनेगा मेरे को वैकॉम कंपनी को 1000 रुपीज का रॉयल्टी देना पड़ेगा। रॉयल्टी इज अ कॉम्पनसेशन फॉर यूजिंग द ब्रांड नेम, ओके, इट इज अ कॉम्पनसेशन फॉर यूजिंग द ब्रांड नेम। सो देयरफॉर एक स्टाइलस बनेगा तो आई हैव टू बी पेइंग रुपीज 1000 टू दैट जापानीज वैकॉम कंपनी, ओके। तो अगर मैं दो स्टाइलस बनाऊं तो मेरे को यहां पे कितना रुपीज पे करना पड़ेगा, 2000। अब जरा सोचो व्हाट इज दिस, डज इट सैटिस्फाई बोथ माय कंडीशंस, इज इट अ प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, यस सर इट इज प्रोपोर्शनेट, 1 to 1000, 2 to 2000, ब्रिलियंट। इज दिस इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस, मैं तुमको अभी अभी बोला मेरा और वैकॉम कंपनी का आपस में एग्रीमेंट क्या हुआ था कि जब भी एक स्टाइलस बनाऊंगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई हैव टू पी पेइंग रुपीज 1000, ओके। So both the conditions are satisfied. These are all direct costs. Direct costs are any cost that satisfy both these conditions. First, it should be a proportionate cost, या फिर a variable cost, या फिर a per unit cost. मतलब हर unit के लिए लगता है। आप लोग जरा सोचो, यहाँ पे एक pen बनाने के लिए 15 रुपए का plastic चाहिए, एक mask बनाने के लिए मेरे को 20 रुपए का worker को pay करना पड़ेगा, एक वैकॉम का स्टाइलस जब मैं बनाता हूं आई हैव टू बी पेइंग रुपीज 1000 एज रॉयल्टी। हर केस के अंदर ये वाला खर्चा हर यूनिट के लिए होता है, और ये वाला खर्चा कब हो रहा है, जब आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू ऑल कॉल एज डायरेक्ट कॉस्ट, दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने क्या किया एक्चुअली, आप लोगों को डायरेक्ट कॉस्ट सिखाया और इंटरनली मैंने आपको कुछ और भी सिखा दिया। डायरेक्ट कॉस्ट इज डिवाइडेड सब डिवाइडेड इंटू 3 parts. This was one example of direct material. This is one example of direct labor. This is one example of direct expenses. आप लोग क्या करो लाइफ के अंदर, अगर सपोज कभी ऐसा क्वेश्चन आता है क्लासिफाई द कॉस्ट, तो पहले ना आप उस कॉस्ट का नेचर जरा देखो। अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा, यू ऑल नो बोथ दोज कंडीशंस नाउ। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया तो वो डायरेक्ट कॉस्ट तो कहलाएगा, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर वो अंदर किधर जाएगा, देर इज डायरेक्ट मटीरियल, देर इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लोग अभी आगे क्या करते हैं, हर एक के लिए ना हम लोग एक एक कंडीशन और बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान से जरा सुनना। व्हाट इज डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट, याद रखना वो डायरेक्ट कॉस्ट तो है, लेकिन हर एक डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट नहीं होता। तो फिर कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट तब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बन जाता है व्हेन इट इज इनकर्ड ऑन द मटेरियल्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कुछ खर्चा ऐसे मटेरियल के ऊपर किया है जो मटेरियल प्रोडक्ट के अंदर है
तो वो तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट है। एग्जाम्पल दे सकता हूं, पेन बनाऊंगा तो प्लास्टिक का खर्चा होगा, राइट? प्लास्टिक इस प्रोडक्ट के अंदर है ना यार, दैट इज डायरेक्ट मटीरियल। कुछ और एग्जाम्पल, मास्क बना रहे हैं तो कपड़ा इज डायरेक्ट मटीरियल। कपड़े के बगैर तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, प्रोडक्ट के अंदर मटीरियल है, ओके, डायरेक्ट मटीरियल। बोलते सर ऐसे तो हर एक मटीरियल डायरेक्ट मटीरियल ही होगा, नहीं, हर एक मटीरियल दुनिया के अंदर डायरेक्ट मटीरियल नहीं होता। एग्जाम्पल आपको देता हूं, सपोज ये वाले जो पेंस हैं ये मशीन से बनते हैं, मशीन्स को चलने के लिए कोयला चाहिए, मशीन्स को चलने के लिए ऑयल चाहिए, ठीक है, क्या इसके ना ऑयल भी है, क्या इसके ना कोयला भी है? नहीं, वो भी मटेरियल ही है। आप ऑयल को टच कर सकते हो, आप लोग कोयले को टच कर सकते हो, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट के अंदर है? नहीं। ऐसी चीजों को भी आप लोग डायरेक्ट मटेरियल नहीं गिनोगे, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। याद रखना, डायरेक्ट कॉस्ट तब डायरेक्ट मटेरियल बन जाता है व्हेन इट इज इनकर्ड ऑन दैट मटेरियल व्हिच फॉर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई भी चीज तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल है तो वो तेरे प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए। प्रोडक्ट के अंदर है तो वो डायरेक्ट मटेरियल है, वरना बाकी चीजों को हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल बोल देते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल वो वाला मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट के अंदर नहीं होता है, ओके? ये वाली चीजें किधर आएंगी बाद की बात है, लेकिन इधर नहीं आएंगी, क्योंकि दिस इज द हेड ओनली रिजर्व फॉर डायरेक्ट मटीरियल। सेकेंड, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर इज अ मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। जो वर्कर तेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो तेरा डायरेक्ट वर्कर है, उसको जो हम लोग पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट वेजेस कहलाता है या डायरेक्ट लेबर कहलाता है। बोलते सर हर एक वर्कर गुड्स ही तो प्रोड्यूस करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दो एग्जाम्पल देता हूं, एक वर्कर जो मास्क बनाता था, मैंने उसको बोला भाई एक मास्क बनाएगा ना 20 रुपया देगा। बोलता सर ओके, तो जो मैं 20 रुपए इनकर कर रहा हूं दैट इज डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वो वाला वर्कर मेरा प्रोडक्ट बना रहा है। तो फिर डायरेक्ट लेबर का उल्टा एग्जाम्पल देता हूं, उल्टा एग्जाम्पल मतलब यहां पर ना जो मेरे वर्कर्स थे उनमें से कई ऐसे वर्कर्स थे जो ना बहुत लेजी वर्कर्स थे। मेरे को लग रहा था मैं उनको बोलेगा ना मास्क बनाओ, अदर टाइम वो लोग टाइम पास ही करेगा। तो मैंने उनके ऊपर ना एक सुपरवाइजर रखा, मैंने सुपरवाइजर को एक फिक्स सैलरी दिया, मैंने बोला तू बराबर से देखना कि ये वाला लोग बराबर काम करता है कि नहीं, अगर नहीं काम करता एक लाफा मारना, ओके? इन दैट पर्टिकुलर केस जो ये वाला अमाउंट पे कर रहा हूं सुपरवाइजर को, ये डायरेक्ट लेबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला बंदा मेरा प्रोडक्ट नहीं बना रहा। डायरेक्ट लेबर इज अ मनी पेड टू दोज पर्टिकुलर वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। इफ दे प्रोड्यूस द प्रोडक्ट देन इट इज डायरेक्ट लेबर। If they do not produce a product, they are not direct labor. They are often called as indirect labor. एक और example देता हूं, एक बंदा factory के अंदर झाड़ू मारता है, पोछा मारता है, वो direct labor नहीं है, वो indirect labor है। Indirect labor किधर भी आए इधर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि this is a head only reserved for direct labor. तो direct material, वो वाला material जो product के अंदर है, direct labor, वो वाला labor cost that is incurred for those people who are producing your product. It represents a money paid to those workers who produce your product. Then what is direct expenses? Direct expenses का कोई definition नहीं है. We simply say it is any other direct cost. कोई भी direct cost जो direct material नहीं कहलाएगा, direct labor नहीं कहलाएगा, automatically यहां पर क्या कहलाएगा? Direct expenses. बस बात खत्म हो गई. Direct expenses. Direct expenses is any other direct cost that is not direct material or direct labor. Example, मैंने आपको जो यहां पे एक example दिया था that was royalty. जरा सोचो ना, जो मैं 1000 रुपए का खर्चा कर रहा हूं वो मैं material के लिए तो नहीं कर रहा हूं, वैकॉम को मैं लेबर के लिए तो पैसा नहीं पे कर रहा हूं, मैं तो उनका ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं। अगर उनका ब्रांड नेम यूज कर रहा हूं सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो वाला चीज क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसिस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसिस का ना कोई डेफिनेशन नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है एक्सेप्ट इट इज एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट। कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट अगर बच गया लेकिन वो डीएम और डीएल नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तुम्हारे सम सॉल्विंग के लिए, तुम्हारे एग्जाम्स के ना सम सॉल्विंग के लिए, अनलेस एंड अंटिल सम सेज दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, उसको तुम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस मत मानना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा ना तो सम 99% लिख कर देता है कि ये वाली चीजें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अगर सम बोल देगा कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ले लेना, वरना किधर भी लेना इधर मत लेना, ठीक है? तो ये चलो हो गया मेरा तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट का पूरा हेड, ठीक है? मैं ये चीज को अभी इरेज कर देता हूं, लेकिन उससे पहले जरा अपने नोट्स में जाना एक बार। नोट्स के अंदर मैं तुमको बता रहा हूं दैट व्हाट आई हैव डन एंड यू हैव टू बी राइटिंग राइट नाउ, ठीक है? तुम लोगों ने नोट्स का प्रिंट आउट लेके रखा हुआ है,
अगर नहीं लेके रखा हो इस वक्त पॉज करना, टेक आउट अ प्रिंट आउट, ओके, एंड देन यू राइट डाउन दीज थिंग्स. डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर फुल्ली वेरिएबल एंड शुड बी रिलेटेड टू व्हाट प्रोडक्शन, शुड बी रिलेटेड टू व्हाट प्रोडक्शन. ये दो कंडीशन है, दोनों का दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए बीच में, इसलिए यहां पर एंड लिखा हुआ है. ठीक, उसका यहां पर तीन एग्जाम्पल्स या तीन बाइफर्केशन से चलो. पहले डायरेक्ट मटीरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मटीरियल पढ़ते हैं. मटीरियल विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, मटीरियल दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. डायरेक्ट लेबर, अमाउंट विच इज पेड टू और ड्यू टू द वर्कर्स हु प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. जो वर्कर्स तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उनको जो पे करते हो, या फिर उनको जो ड्यू भी है. ओके, ड्यू मतलब अगर आउटस्टैंडिंग है तो. ओके, ऑल दोस कॉस्ट आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर. तुम लोग डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हो. ठीक है, ऑल्टरनेट नाम अगर चाहो डायरेक्ट लेबर के बाजू में लिख देना डायरेक्ट वेजेस. उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट, बस उसका और कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है. एग्जाम्पल चलो यहां पे वन और टू एग्जाम्पल्स वी शैल बी राइटिंग डाउन. यहां पे लिख सकते हो प्लास्टिक इन पेन, उसके बाद लिख सकते हो क्लॉथ इन मास्क. डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल मनी पेड टू वर्कर्स फॉर मेकिंग. मैंने तुमको मास्क का एग्जाम्पल दिया तो आप लोग यहां पे मास्क लिख लो. एक सेकेंड, हाँ, फॉर मेकिंग यहां पे लिख लेना मास्क. कुछ और हुआ फॉर मेकिंग फर्नीचर. तुम लोग अगर फर्नीचर, सपोज यू आर अ कंपनी जो मैन्युफैक्चर करता है फर्नीचर्स, जो कारपेंटर्स लोगों को पे करोगे दैट विल बी नथिंग बट योर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए अभी एक ही एग्जाम्पल लिखना जो मैंने तुम लोगों को दिया था, रॉयल्टी. ठीक है, बाकी एग्जाम्पल्स एज एन मेन चैप्टर्स विल प्रोसीड, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा एक कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल. इन ऑल ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट. मैं अभी इस चीज को यहां से रब कर रहा हूं बिकॉज यू ऑल हैव रिटन योर एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो एक हो गया तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर तुम्हारी दो कंडीशंस हैं. ठीक है, तो व्हाट इज ओवरहेड्स, अगेन आई डू नॉट हैव अ डेफिनेशन फॉर दैट. तो फिर ओवरहेड्स क्या हुआ, सिंपल है, एनी कॉस्ट विच इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ओवरहेड्स. अगर कोई कॉस्ट फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है या सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, हम लोग इस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोल देंगे, ओवरहेड्स. या फिर चलो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता, या फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं करता या सेकंड सेटिस्फाई नहीं करता या कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता, हम लोग उसको ओवरहेड्स बोल देते हैं. ओके, ओवरहेड्स को कई लोग लूजली इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल देते हैं. ठीक है, ओवरहेड्स कुड बी एनी एक्सपेंस दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट. एग्जाम्पल्स अगर मैं तुमको देने के लिए जाऊं तो आई कैन टेल यू थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल फैक्ट्री है अपना, उसका रेंट देते हैं हम लोग, दैट कुड बी ओवरहेड्स. फिर उसके बाद फैक्ट्री के ना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता होगा, ओके, दैट कुड बी योर ओवरहेड्स. मशीन्स चलाने के लिए तो कोयला चाहिए, ओके, दैट कुड बी योर ओवरहेड्स. ऑफिस के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे पास, ओके, ओवरहेड्स. एक हमारे पास लॉयर भी है जो हमारे लीगल केसेस वगैरह डील करता है, दैट इज आवर ओवरहेड्स. एक सीईओ है, ओके, उसको हम लोग पैसा दे देते हैं, ओवरहेड्स. उसके बाद हम लोग एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करते हैं, ओवरहेड्स. हमारा एक बार प्रोडक्ट बन जाता है, हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द होलसेलर, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का खर्चा आता होगा, ओवरहेड्स. उसके बाद हम लोग को गुड्स होलसेलर्स को भी बेचने के लिए बीच में यहां पे एजेंट्स रखने पड़ते हैं जो वेरियस होलसेलर्स के पास जाएंगे, उनको हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उन लोगों से ऑर्डर्स लेके आएंगे. हम लोग ऐसे लोगों को सेल्स पीपल बोलते हैं, सेल्स पीपल. उन लोगों को हम लोग यहाँ सैलरीज देंगे या कमीशन वगैरह देंगे, ओवरहेड्स. सो ओवरहेड्स कुड बी एनीथिंग दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट. मतलब या वो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस नहीं है, या फिर वो तब नहीं लगता जब हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा हुआ विच इज नॉट इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस,
or which is not proportionate will automatically be called as overheads. Overheads, अभी ना न्यू कॉस्ट शीट क्या हुआ कि ना जो इंस्टीट्यूट है वो जब भी न्यू कोर्स लेके आए ना उन लोगों ने नया फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट भी दिया. इस न्यू फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के हिसाब से तुम्हारा जो ओवरहेड्स है दैट हैज टू बी इन थ्री पार्ट्स. लॉजिकली इट शुड हैव बीन इन फोर पार्ट्स. तो जब मैंने तुम्हारा नोट्स बनाया ना मैंने उसके तीन पार्ट्स रखा हुआ है लेकिन वो सिखाने के लिए मैं यहां पे चार पार्ट सिखा रहा हूं लेकिन लास्ट टू हेड्स आई विल कंबाइन टुवर्ड्स द एंड क्योंकि मेरे को उनके बाइफर्केशन की कोई जरूरत नहीं है. ठीक. तो ये कौन से थ्री हेड्स हैं ठीक है या फिर अभी फॉर स्टार्टिंग ये कौन से चार हेड्स हैं. तो सबसे पहले भी से ओवरहेड्स कैन ईदर बी फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओवरहेड्स कैन ईदर बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. Overheads can either be selling, distribution and marketing overheads. These are main three heads जो दुनिया के अंदर बहुत famous है. ठीक है. Factory overheads, administration and S&D या marketing overheads. आप लोग factory overheads को बहुत नामों से जानते हो. Factory overheads can also be called as manufacturing overheads. Factory overheads can also be called as production overheads. Factory overheads can also be called, ये वाला नाम जरा याद रखना, वो आईसे को बहुत प्यारा है इससे, works overheads, works, W-O-R-K-S, works मतलब फैक्ट्री ही होता है. ठीक है. ये वो वाले खर्चे हैं जो आपकी फैक्ट्री के अंदर होते हैं. ठीक है. इसके अंदर कुछ ना कुछ और बोलूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद. दीज आर फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है. ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट हेड. उसके बाद तुम्हारा थर्ड हेड, सेकेंड हेड पर आऊंगा बाद में. एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो तुम्हारे खर्चे हैं ना दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफिस एक्सपेंसेस. These are also called as management expenses. ICAI ने अभी इसका एक नया नाम रखा, general administration cost. ठीक है, general administration. ये तुम्हारे office के खर्चे हैं. ठीक. मैं सबके examples पर भी आता हूं. मैं पहले आपको बस तीन head जो हैं तो वो बता रहा हूं. Third is your selling expense, distribution expense. आप लोग इसको marketing expenses भी बोल सकते हो. ठीक है. अब ये तीनों चीजें क्या है उससे पहले जरा याद रखना, आप लोग overheads पर तभी आओगे, आप लोग ओवरहेड्स पर तभी आओगे जब तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसका या फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ या सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ या दोनों नहीं हुआ. ठीक है. अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा था जिसने या फर्स्ट या सेकंड या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो वो ओवरहेड्स के अंदर आ गया. लेकिन अभी ओवरहेड्स के अंदर वो वाला एक्सपेंस किधर आएगा. सो देन वी ट्राई टू बी सेइंग दैट देयर आर थ्री हेड्स, एक्चुअल के अंदर फोर, बट आई कम बैक टू दिस काइंड ऑफ अ पजल. ओके. वी से ये ओवरहेड्स का खर्चा किधर हो रहा है. ठीक है. अगर फैक्ट्री के अंदर हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर ऑफिस का खर्चा है तो ऑफिस ओवरहेड्स, अगर S&D है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो S&D या मार्केटिंग. तुमको एग्जाम्पल देता हूं. ठीक है, ध्यान से सुनना. लेकिन एक चीज बार बार मेरे को वो बोलना है ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर वो रजिस्टर हो जाए. कोई भी एक्सपेंस ओवरहेड्स तब कहलाएगा जब वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है. क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉस्ट है फिर तो वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर चला गया. लेकिन अगर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है तो ओवरहेड्स के अंदर है. लेकिन अगर ओवरहेड्स के अंदर आ गए तो फिर आगे किधर जाएंगे. यू हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू हैव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, यू हैव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ठीक है. फैक्ट्री ओवरहेड्स वो वाले खर्चे जो फैक्ट्री तक हो जाते हैं, बट अगेन फॉर द फिफ्थ टाइम, प्रोवाइडेड इट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट. क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट होता तो उधर चला जाता. अभी आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं. फैक्ट्री का रेंट हो गया, वो वाला खर्चा इस फैक्ट्री ओवर है. फैक्ट्री के अंदर ही लग रहा है ना. फैक्ट्री के अंदर एक सुपरवाइजर था. ठीक है. फैक्ट्री ओवर है. फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फैक्ट्री ओवर है. फैक्ट्री की बिल्डिंग खराब हो गई, उसको रिपेयर्स करवाया, फैक्ट्री ओवर है. फैक्ट्री के ना मशीनरी थी उसका डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री ओवर है. उसका ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग करते हैं रोज, फैक्ट्री ओवर है. जो वर्कर झाड़ू मारता है फैक्ट्री को, फैक्ट्री ओवरहेड्स. कोयला वगैरह जो मशीन चलाने के लिए चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके. ऑल दीज आर ऑल योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस, दीज आर सारे ऑफिस के खर्चे. जरा सोचो ना ऑफिस के ना क्या क्या खर्चे हो सकते हैं. सर कंप्यूटर्स होंगे बहुत सारे, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनका डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग पेपर का कॉस्ट, प्रिंटिंग के अंदर जो कार्ट्रेज है वो कॉस्ट, सीईओ का खर्चा, सीए का खर्चा, सीए को जो आप ऑडिट के लिए पैसा देते हो वो सारा का सारा जो कॉस्ट है वो इधर आ जाएगा. ओके. ऑल दीज एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एक्सपेंसेस. ठीक.
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग नाम है, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. सेलिंग खर्चे वो वाले खर्चे होते हैं विच विल हेल्प यू टू प्रमोट योर सेल्स. एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल सेलिंग एक्सपेंसिस के एग्जाम्पल माइट बी द मोस्ट फेमस वन. खुद ब खुद दिमाग में सोचो, सर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ब्रिलियंट. सर वो जो आपने कमीशन बोला था, ब्रिलियंट, इट विल हेल्प यू टू प्रमोट योर सेल्स. डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मारुति कंपनी ने अपनी कार बना दी, उसके बाद उन लोग के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स तक गाड़ी पहुंचाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे आप लोगों को बेच देते हैं. ठीक है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है दैट इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ओनली. ओके, हम लोग इन एक्सपेंसेस को मार्केटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं. एक बार फिर से सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ वो जा रहा हूं. एनी एक्सपेंस दैट विल हेल्प यू टू प्रमोट योर सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस. डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू द फाइनल कस्टमर. दीज आर योर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. तुम्हारे दिमाग में ऐसे डाउट्स आ सकते हैं, सर मेरे दिमाग में आ रहा है कि बैड डेट्स किधर जाएगा सर, नेक्स्ट लेक्चर. मेरे दिमाग में आता है सर कैश डिस्काउंट किधर जाएगा सर, नेक्स्ट लेक्चर. फ्यू ऑफ द थिंग्स आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक ऑल्सो योर सेल्फ कि ये वाले खर्चे किधर आएंगे. ओके, अपने हिसाब से सोचना है, गिवन यू ऑल द डेफिनेशंस. ओके सर, आपने चार बोले थे, आपने तीन क्यों लिखे? चलो चौथा भी लिख देता हूं. जब इंस्टीट्यूट ने नया कॉस्ट शीट लेकर आए ना इन द न्यू कोर्स, उन लोगों ने ये दोनों को क्लब कर दिया. ठीक है, तो मेरे लिए ये और ये वाला जो डिफरेंस है ना आज की डेट में, बहुत ज्यादा कुछ वो मायने नहीं रखता. बिकॉज जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, हम लोग ये दोनों खर्चों को कंबाइन कर देंगे. ठीक है, अभी ये वाला चीज आईसी लेकर आया, वो लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, न्यू कॉस्ट शीट के अंदर आप लोग वो सारे के सारे खर्चे एक्सक्लूड कर देना विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री. फिर से बोलता हूं हम लोगों ने फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला था, एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड इट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट. मेरे को कभी ये मत बोलना सर डायरेक्ट मटेरियल का भी तो खर्चा फैक्ट्री के अंदर ही होता है. लेकिन बेटा डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आ चुका है, ऑलरेडी उधर आ चुका है. मैं तुमको वही बोला, ओवरहेड्स के अंदर तुम लोग कब आओगे, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. अगर डायरेक्ट मटेरियल था उसने तो डायरेक्ट कॉस्ट का कंडीशन सेटिस्फाई किया ना यार, तो वो तो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर चला गया. फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर वो सारे के सारे खर्चे आएंगे विच इज इनकर्ड इन द फैक्ट्री, लेकिन वो वाले खर्चे नहीं आएंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट ने बोला वाइल मेकिंग द न्यू कॉस्ट शीट. इसके अलावा वो वाले खर्चे नहीं आएंगे विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, क्योंकि वो वाले खर्चे हम लोग सेकेंड हेड के अंदर अलग से लिखेंगे. और हम लोग इस हेड को नाम क्या देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, अभी ये एक्सपेंस के अंदर वो वाले एक्सपेंसेस इंक्लूड मत करना विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री. वो हेड आप लोग अलग रखो, अभी आपको ज्यादा क्लियर बोलता हूं. अब जरा सोचो, हमारी फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर था, उस मैनेजर का काम क्या था, ही हैज टू मैनेज द फैक्ट्री. मैनेज मतलब एडमिनिस्ट्रेट द फैक्ट्री. ऐसा एक्सपेंस, कोई बोलेगा सर फैक्ट्री ओवरहेड्स ही होएगा, लेकिन अभी ऐसे एक्सपेंसेस के लिए एक स्पेशल हेड बना दिया वो इंस्टीट्यूट ने, और उसको बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री. ओल्ड कॉस्ट शीट के अंदर 2018 से पहले ओल्ड कॉस्ट शीट के अंदर ऐसा कोई हेड नहीं था और ये जो 2 था ना वो 1 के अंदर ही आ जाता था. लेकिन अभी इन लोगों ने क्या बोल दिया, अब से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर से वो सारे खर्चे निकाल लेंगे विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, विच इज इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री. दो एग्जांपल देता हूं, एक आपको ऑलरेडी वो दे चुका हूं, दैट इज एक मैनेजर था, हम लोग उसको पेमेंट करते हैं, दैट मैनेजर विल मैनेज द फैक्ट्री. सो बेसिकली मैनेजिंग इज अ एडमिनिस्ट्रेशन जॉब. याद रखना, अगर कोई बंदा ऑफिस मैनेज कर रहा है, सीईओ, ओके, तो फिर वो इधर आएगा क्योंकि ये सारे ऑफिस के खर्चे हैं. लेकिन ये वाले खर्चे कौन से हैं, विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री. ओके, सो दीज आर इन दिस केस योर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री. दो एग्जांपल बोला था, एक बोल दिया फैक्ट्री मैनेजर को जो मैं पेमेंट करूंगा. सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं, सेकेंड एग्जाम्पल मेरे जो वर्कर्स थे ना,
बोथ लीजी। जैसे ही सुपरवाइजर उधर देखा, ओके, वो लोग कुछ ना कुछ पीना स्टार्ट कर देता था, खाना स्टार्ट कर देता था। मेरे को लगा यार अभी ये सुपरवाइजर की ना बस की बात ही नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने हर जगह पे ना सीसीटीवी कैमराज वो लगवा लिए और एक कंट्रोल यूनिट बनाया जहां से वी कैन ऑब्जर्व व्हाट एवर ईच पर्सन इज डूइंग। वो जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। सीसीटीवी कैमराज के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो इधर आएगा बिकॉज दिस इज अ स्पेशल हेड फॉर सच कॉस्ट। इस हेड के अंदर वो सारे के सारे फैक्ट्री के खर्चे आ जाते हैं विच आर इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। फैक्ट्री को बेटर मैनेज करने के लिए जो भी खर्चे होंगे वो वाले खर्चे इधर आ जाएंगे। तो अभी इंस्टीट्यूट के हिसाब से क्या है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट दैट आर देयर। ओके, ये थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है, फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन इसके अंदर पॉइंट नंबर टू वाले खर्चे इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर टू वाले खर्चे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, और उसके बाद थर्ड इन दिस केस इज जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। बस दीज आर ऑल योर एक्सपेंसेस दैट आर देयर। ठीक है, यही चीज मैंने आप लोगों को नोट्स के अंदर भी दिया। तो नोट्स के अंदर अब जरा बराबर से देखना, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये वही वाले चार नाम है आपके। ठीक, एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे वो लिख के रखना, फैक्ट्री रेंट, आप लोग पूरा लिखना फैक्ट्री रेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, थर्ड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स, बस यहां पर एक स्माइलिंग फेस मैंने बनाया है। ठीक है, आप लोग क्या करो, वो स्माइलिंग फेस वो नीचे भी है, यहां पे लिख लेना एक्सक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री। यही वाला पॉइंट एक और भी लिखवाऊंगा एक और बार इन द सेम मैनर इन द सैड फेस ऑल्सो। ठीक है, रुको, आगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसका एग्जांपल मैंने तुम लोग को दो दिया, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन सीसीटीवी। अच्छा, इसका यहां पे एक नोट जरा लिखना, दिस इज अ स्पेशल हेड एंड आगे अभी बहुत छोटा छोटा लिखो, दीज एक्सपेंसेस एंड दीज एक्सपेंसेस विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, आगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी ओवरहेड्स, जितने भी एग्जाम्पल चाहो यहां पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स के अंदर अभी क्या क्या लिखें यार, एग्जाम्पल्स के अंदर इन दिस पर्टिकुलर केस लिखो, चलो एग्जाम्पल, चलो वो तुम्हारा पहला एग्जाम्पल ही लिखता हूं, अमाउंट पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आई टोल्ड यू कि तुम्हारा लिखता हूं, बट यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, स्टाइपेंड, इससे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, स्टाइपेंड तुमको मिलेगा, या डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो मिल रहा है। ओके, वो वाला चीज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यहां पे तुम्हारा ऑफिस का रेंटल कॉस्ट, उसके बाद आगे लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके बाद लिख सकते हो कमीशन अगर जगह है तो, वरना इट इज ऑल फाइन।
ठीक है, वन नाइट इज ऑल फाइन। नाउ तुम लोग को ये वाले एग्जांपल्स कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा सिलेबस तो वो बाकी है, वहां पर ये सब कुछ हो ही जाएगा, सो डोंट बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इन दिस केस इज गोइंग टू बी, बराबर से सुनना, नेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला जो नोट है, यहां पे लिख देना बोथ दीज एक्सपेंसेस, बोथ दीज एक्सपेंसेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड एसएनडी, ठीक है, बोथ दीज एक्सपेंसेस आर टेकन टुगेदर ओनली इन कॉस्ट शीट, ऑल्दो अभी तक कॉस्ट शीट क्या होता है यू ऑल डोंट नो, बट ठीक है, यू ऑल कैन जस्ट राइट डाउन दिस पर्टिकुलर नोट। चलिए, विद दिस मैंने आज का अपना फर्स्ट काम खत्म कर दिया है। आई हैव लेफ्ट यू विद मेनी थिंग्स दैट यू माइट बी थिंकिंग, सर ये वाला खर्चा किधर आएगा, ये वाला खर्चा किधर आएगा, थोड़ा सा पोर्शन चलने दो, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू बी थिंकिंग इन अ करेक्ट वे। ओके, तो आज का एक रीकैप वो कर लेता हूं, फाइनेंशियल अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंट्स कंपल्सरी ऑप्शनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट, ICAI ICWA, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट सर कॉस्ट शीट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या Ind AS कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। ओके, उसके बाद कॉस्ट का बाइफिकेशन किया, कॉस्ट की बाइफिकेशन के अंदर सर डायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर बचा कुछ डायरेक्ट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स एनीथिंग दैट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के अंदर हमारे लिए अभी तीन हेड्स हो गए, कौन से तीन हेड्स, फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन उसके अंदर जो मैनेजमेंट के लिए फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो रहा है उसके लिए अलग से हेड है जो सेकंड वाला मैंने दिया, और उसके बाद तुम्हारे ऑफिस के खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नाउ ट्रीटेड एज वन सिंगल हेड, बस योर जॉब इज ऑल डन। आज का अपना फर्स्ट लेक्चर जो है वो हो गया है, हम लोग हर लेक्चर के अंदर एक चीज जो करेंगे विल ट्राई टू रिवाइज जो पहले हुआ है एंड देन इन दिस केस विल ट्राई टू बी गोइंग अहेड। कॉस्टिंग के अंदर एक अच्छा चीज क्या है, ऑल योर चैप्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, बीच में एक या दो चैप्टर्स हैं जो थोड़े से ऑफ बीट है लेकिन उसके अलावा एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड। इफ यू नो योर कॉस्ट शीट फर्स्ट चैप्टर दैट वी ऑल आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे नो, ऑटोमेटिकली ऑल योर चैप्टर्स विल बिकम वेरी सिंपल। आई एम अनुज, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय। हाय गाइस, वेलकम टू द टिप ऑफ द डे, हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में देर विल बी टिप्स प्रोवाइडेड, 15 चैप्टर्स, आई हैव गॉट 15 टिप्स फॉर यू ऑल, और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल बी देयर ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे। टुडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग द फर्स्ट टिप एंड समथिंग फॉर मी दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क्स एंड योर time that you devote to your studies are not proportional to each other. कई लोग 16 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे, कई लोग 8 hours पढ़ के भी rank लेकर आ जाएंगे। It is not dependent upon how God gifted intelligence is. It is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying. जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से concentrate करके करो, it goes a very long way in life in trying to improve yourself. 8 hours cut yourself out from many things. agar aap 8 hours ka target rakhe hue ho to 8 hours baki cheezon ki taraf mat socho, tumhara friends kitna padhai kar rahe hain, netflix ke upar kya movie aa rahi hai, keep all those things aside. it is 8 hours that you are going to be giving to your studies per day. if you are going to be giving for 8 hours more the better, lekin more ke chakkar ke andar apna quality of concentration kharab nahi karo. study in a wiser way, jitna padhai karte ho utna acche tarike se padhai karo. honestly for me 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also. it's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts, you are not keeping your phone with you and trying to have the distractions. So 8 hours to 10 hours continuously ya fir in breaks, whatever your mind allows, lekin acche tarike se utna padhai kar lo, that should be sufficient enough. This is my first tip of the day. This tip usually is there for those students jo log hamesha ek question poochte hain, sir पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, दिस इज द आंसर टू ऑल दो स्टूडेंट्स। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू ऑल विद द टिप्स ऑफ द डे नाउ इन चैप्टर नंबर 2, बाय।
You can also enroll for our other subjects of CA Foundation, CA Inter, CA Final, by visiting either www.ajnext.com or www.ajnextonline.com. For any help, call 808-032-4444.